टोमेटो फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2 महीने पहले 6 मई को केरल में इसके मरीज मिले थे। वहीं केरल के बाद उड़ीसा में भी इसके मामले पाए गए हैं। अब तक 5 साल से कम उम्र के 82 से ज़्यादा बच्चों में यह संक्रमण पाया जा चुका है। फिलहाल इसके लिए कोई दवा तैयार नहीं है, लेकिन इसका मंकी पॉक्स, डेंगू या अन्य किसी बीमारी से कोई संबंध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।